एसी चालू हो गई? हो गई, एक सेकंड हो गया, चल रहा है कंटिन्यू। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन खत्म हो चुका है, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। होशंगाबाद जिले में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में अनलॉक को लेकर निर्णय लिए गए, जिसमें सबसे पहला निर्णय जिसको लेकर संशय की स्थिति बनी हुई थी कि बाजार खुलने का समय क्या रहेगा। बाजार पूरे जिले में एक ही समय पर खुलेगा, सभी तहसीलों में भी समय वही रहेगा। इसके साथ ही शनिवार और इतवार लॉकडाउन को लेकर भी कई भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। इस बारे में हमने एडीएम आदित्य दिखारिया से भी बात की, उनसे प्राप्त जानकारी के अनुसार बाजार सोमवार से शुक्रवार के दिन तक खुलेगा और शनिवार रविवार को पूर्णतः लॉकडाउन की स्थिति बनी रहेगी। बाजार खुलने का समय सुबह 8 बजे से दोपहर के 3 बजे तक रहेगा, जिसमें दुकानें खुली रहेंगी। 3 बजे के बाद अति आवश्यक सेवाओं की दुकानें, मेडिकल, पेट्रोल पंप जैसी दुकानें खुली रहेगी। वहीं सब्जी मंडी और दूध के लिए भी समय निश्चित कर दिया गया है, तो किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें, सटीक और सही खबरों पर विश्वास करें, जिससे आप प्रशासनिक स्तर पर होने वाली दंडात्मक कार्रवाई से भी बच सकते हैं। एक बार फिर ध्यान रखें कि बाजार खुलने का समय सुबह 8 बजे है और बाजार 3 बजे तक बंद करना अनिवार्य है। इसके साथ ही प्रशासन ने वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता का अभियान भी शुरू कर दिया गया है, जिसमें जो भी दुकानदार दुकान खोल रहे हैं उनका वैक्सीनेशन होना आवश्यक है। तो सभी दुकानदारों से निवेदन है कि वे अपना और अपने कर्मचारियों का वैक्सीनेशन करा लें। जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है, उनके लिए प्रशासन ने कुछ समय अवधि दी हुई है, तो वे लोग भी अपने और अपने स्टाफ का वैक्सीनेशन करा लें। अगर वे अपना वैक्सीनेशन नहीं कराते हैं या उनका स्टाफ का वैक्सीनेशन नहीं होता है, तो प्रशासन सख्त कार्रवाई कर सकता है, जिसमें उनकी दुकानें वैक्सीनेशन ना होने तक बंद भी की जा सकती है।